हेलो फ्रेंड्स, प्लांट गार्डनिंग में आपका स्वागत है। मैं सुशील कुमार, आज मैं आपको अपनी सबसे फेवरेट प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है फ्लावरों में। आज मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा कि इसने इतना अच्छा रिजल्ट मेरे को दिया है इस सीज़न में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें इतने सारे फ्लावर है। देखिए, आप काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। आपने देखा है कि इस प्लांट ने मुझे 21 फ्लावर्स एक बार में दिए हैं, और इससे को मैं सितंबर में लाया था, सितंबर 2018 में, और जब से लेके अभी तक लगातार ये ग्रोथ एंड फ्लावरिंग कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें मल्टी कलर के फ्लावर आते हैं, मतलब कि इसमें इसका नाम है पटोनिया। इसको किसी भी नर्सरी से आप इजली परचेस कर सकते हैं, इजली हर शॉप नर्सरी में। ये इतना फेमस प्लांट है कि आपको इजली मिल जाएगा। और इसका केयरिंग करना भी इतना मुश्किल नहीं है, जितना कि लोगों को लगता है कि एक बार हम पौधा ले आए तो वो घर पे आके मुरझा जाता है। ऐसा नहीं, आप उसकी देखभाल करिए, उसको ग्रोथ वाटर दीजिए उसे अच्छे से, और उसको जो नॉर्मली जो टाइम टेबल से वाटर दीजिए। सबसे ज़रूरत ये है इस प्लांट के लिए, क्योंकि इसे ओवर वाटर ना करिए। इसे मैं पिछले 2 ईयर से अपने पास लगा रहा हूँ। इससे पहले मैं दूसरा कलर का लगाया था, और ये विंटर सीजन प्लांट है। ऐसा नहीं कि आप इसे जब मर्जी लाएं, ऐसा नहीं, ये सितंबर में आ जाता है हर नर्सरी में। इसको आप सितंबर से लेके अप्रैल तक ये आपको फ्लावरिंग करेगा, और ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग करता है कि हर कोई इसको पूछता है कि ये इतने सारे फ्लावर दे रहा है, आपने इसमें कुछ डाला है क्या, खाद वगैरह या कोई ऐसा लिक्विड डाला हो जिससे इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। पर नहीं, ना मैंने इसमें कोई लिक्विड डाला है, ना कोई इस तरीके से, बस मैंने इसमें ज़रूर गोबर खाद जो मैंने डाला था उससे ही रिजल्ट मुझे इतना अच्छा मिल रहा है।